is an African phrase that's called Ubuntu. It stands for I am because you are. So until and unless we find trustworthy people, it is reflected back to us, we'll never be able to trust again. आपको गलत आदमी को मिल जाता है, वो धोखा भी देता है, कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली आदमी जो ट्रस्टवर्दी है उसके बारे में लोग कहेंगे. That happens because even दुश्मन भी कहेगा कि यार वो कुछ भी कहो, मैं मेरा उससे दुश्मनी है, आई डोंट लाइक हिम, बट आदमी है जबान का पक्का. So what would you like to say on the media manipulating? व्यूअर रोकता है धीरे धीरे. जो टीवी चैनल या न्यूज़पेपर मैनिपुलेट करता है मीडिया के उसके अपनी राइटिंग के माध्यम से, धीरे धीरे लोग उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं. Thank you very much, Dr. Chitkara, dear students, and my viewers sitting and watching this show at home. We have gone through recently a very big tragedy. In our neighboring and dear country, Nepal. इतनी जाने, हजारों जाने वहां गई हैं. उसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो सभी विक्टिम्स की आत्माओं को शांति दे. और आज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज का विषय ऑनेस्टी और एथिक्स, क्या भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में, एशिया में, वर्ल्ड में क्या हम उनको खो रहे हैं या चल रहा है अच्छा, हमारे एथिक्स बरकरार हैं, ऑनेस्टी कायम है. और बहुत से क्वेश्चंस हमें जो आते हैं वो इस प्रकार के आते हैं कि शायद आजकल ऑनेस्ट रह के शायद कामयाबी हमें हासिल ना हो, एथिकल काम करें तो शायद जिंदगी में सक्सेस ना मिले. आज इस विषय पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा. और मैं हूं आज चंडीगढ़ के चितकारा यूनिवर्सिटी में. आज दो सवाल पे चर्चा हम करेंगे. एक तो ये कि ऑनेस्टी और एथिक्स क्या है, क्योंकि बहुत बार देखने में ऐसे मिला कि कई बार लोग सिर्फ ये कहने लगते हैं कि साहब पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बिजनेस हाउसेस, वो लोग ऑनेस्ट नहीं है. ऐसी एक धारणा ज्यादा करके बन चुकी है, ये सही नहीं है. और ज्यादातर जो रेस्पॉन्सेज हम लोगों ने लोगों से पूछा तो एक बड़ी अजीब सी चीज सामने आई कि हर एक आदमी चाहता कि दूसरा आदमी ईमानदार बने. मैं बनूं ईमानदार ये बात कोई नहीं करता, मुझे भी एथिकल बनना चाहिए, मुझे भी ईमानदारी से काम करना चाहिए, इसकी चर्चा कम लोग करते हैं. तो आप ये बताइए आपके हिसाब से व्हाट डू यू फील ऑनेस्टी एंड एथिक्स इज. सर आई थिंक ऑनेस्टी और एथिक्स इज वर्किंग इन सच अ वे कि हम लोगों का अपना काम हो जाए बट नोबडी इज हार्म फ्रॉम देम फ्रॉम दैट एक्ट. तो किसी को नुकसान पहुंचाए बिना अपना काम करना ही ईमानदारी. सर ऑनेस्टी मीन्स बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ एंड अदर्स. आई फील दैट एथिक्स आर बेसिकली द मॉरल वैल्यूज दैट आर टॉट टू अस एंड दैट वी शुड कंटिन्यू इट. अभी आपने तीन जवाब सुने, तीनों में थोड़ी भिन्नता है लेकिन मायने बदलते नहीं हैं. ज्यादातर अगर आप इंटरनेट पे करेंगे तो उसके अलग मायने आपको देखने को मिलेंगे. हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, उनके रिसर्च करें तो उसमें ऑनेस्टी और एथिक के थोड़े मायने अलग हैं, थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं. जैसा मैंने कहा पहले कि दो क्वेश्चन आज तय करेंगे, पहला
ऑनेस्टी एथिक्स एक्चुअली की क्या है, हम क्या उसको मानते हैं, और दूसरा विषय लेंगे कि क्या सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए एथिक्स और ऑनेस्टी इंटैक्ट रखना जरूरी है या नहीं। और उसी प्रश्न को अगर दूसरे तरीके से पूछें तो लोग आजकल कहते हैं कि साहब ईमानदारी से तो पैसा नहीं कमाया जा सकता, कामयाब नहीं हुआ जा सकता। उस पर चर्चा करेंगे क्या वाकई आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने एथिक्स और ऑनेस्टी को कंप्रोमाइज किए बिना। पूछेंगे बाहर और हमारे दर्शकों ने इसके बारे में क्या कहा है। वी वुड लाइक टू सी व्हाट पीपल हैव टू से। आज के टाइम में तो आई थिंक ये एक डिसऑनेस्ट बंदा ही अपनी पर्सनालिटी अच्छी लोगों के सामने रख सकता है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत एक जरूरी चीज हो गई है कि चाहे वो पीछे से काम कितना भी बुरा करे, उसे आगे अपनी एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड इतना रखना है कि ताकि लोग उसको एक अच्छा परसीव कर सके, ये अच्छा एक जान सके कि हाँ एक तरीके से एक धोखा ही है, बट आजकल मुझे लगता है सब जगह यही हो रहा है। डिसऑनेस्ट आदमी एक अच्छी इमेज बना सकता है कि नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आजकल हमें डालडा खाने की आदत है, शुद्ध घी मिल जाए तो पछता नहीं है। कोई अगर ऑनेस्टी दिखाए या सही रूप से बात करे तो हम उसको बोलते हैं गलत है, और कोई डिसऑनेस्ट आदमी सामने आ जाए, खड़ा हो जाए, बड़ी बड़ी बात करे तो हमें लगता है वही सही बोल रहा है, क्योंकि हमारी सिस्टम और आदत हमें पड़ गई है ऐसी। लेकिन सच ये है कि डिसऑनेस्ट आदमी बहुत दिन तक लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर वो इंसान चाहे तो अपने अच्छे कामों से, अच्छे कर्मों से, सोसाइटी के साथ अच्छे लिंक बनाकर अपनी इमेज ठीक कर सकता है। हमें ऐसा नहीं है कि अगर उसने एक बार काम खराब किया अपना, गलत कुछ इमेज खराब बनाई है, तो लोग उसको बोल देगी नहीं ये इंसान बेईमान है, इसमें ईमानदारी नाम की चीज नहीं है। ये उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो अपने अच्छे काम सोसाइटी में लोगों के साथ, उसका वेल बिहेव्ड है उसके साथ, सोसाइटी के साथ, तो वो ऑब्वियसली एक अच्छी इमेज बना सकता है। जी मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि जो डिसऑनेस्ट व्यक्ति है वो एक अच्छी पब्लिक इमेज बना सकते, क्योंकि वो शुरू से ही डिसऑनेस्ट होता है। उसको डिसऑनेस्टी को मिटाने के लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे, कुछ सही काम करने पड़ेंगे, ताकि लोग जो है उसको अच्छा समझे, उनकी नजर में वो अच्छा बने, तभी वो एक अच्छा इंसान कहला पाएगा। आज जो भी हम पब्लिक फिगर्स देख रहे हैं, हम सबको पता है कि वो कहीं ना कहीं ऑनेस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट जरूर है, पर उनकी पब्लिक इमेज जरूर अच्छी है। और बिसाइड आजकल कितने सारे पीआर एजेंसीज है, कितना सारा मीडियम्स है जिससे हर एक इंसान अपना पब्लिक इमेज बना देता है, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि कोई भी डिसऑनेस्ट व्यक्ति अच्छा पब्लिक इमेज बना सकती है। आज के जमाने में डिसऑनेस्ट व्यक्ति ही पब्लिक इमेज बना रहे हैं। हमारे पॉलिटिशियंस को ही देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन देख लीजिए, वो अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। मेरी ओपिनियन में एक डिसऑनेस्ट आदमी भी अच्छी पब्लिक इमेज बना सकता है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत प्रूवन है। इट इज वॉट यू शो इन फ्रंट ऑफ द पीपल विच मैटर्स, इट इज नॉट वॉट यू एक्चुअली आर। सो मेरी तरह से एक डिसऑनेस्ट आदमी भी एक अच्छी पब्लिक इमेज बना सकता है। तो सुना आपने क्या, और इससे जुड़ा हुआ सवाल था कि ऑनेस्ट रहते हुए, एथिकल बिहेवियर करते हुए अपनी इमेज भी हम बना सकते हैं, इंटैक्ट रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। तो आपने कुछ लोगों के रिएक्शंस देखे, आपको क्या लगता है कि ठीक है क्या ये, जो लोगों की भावना, हमारे यूथ की भावना ऐसी बनती जा रही कि नहीं, वी शुड बी सक्सेसफुल, वी शुड मेक मनी, ये न तेन प्रकार इन कैसे भी हो हमको सक्सेसफुल होना है, उसके लिए अगर कुछ कंप्रोमाइज करना पड़े, बेईमानी करनी पड़े, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है ऐसी भावना हो रही है हमारे देश में? सो एनीवे, जो हमने जो समझा पहले, चलो ऑनेस्टी पे चलते हैं। वी हैव व्हाट आई हैव फेल्ट इज के प्लेइंग बाय द रूल इज नंबर वन इश्यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। बिना चोरी किए, बिना चीटिंग किए, बिना फ्रॉड किए या कोई ट्रिक किए हुए, और वी कैन से दैट violation of both trust and fairness is dishonesty if you look at the other way around। aur ethics ko kya kahenge, ethics ko we are saying that it is a behavior of morality, an individual is said to possess the virtue of integrity, as we know integrity means the whole complete। Part truth is never can be termed as a whole truth।
whole individual's value system provides us a framework with which we act or behave, also which is consistent and expected by others. To sum up, there is no fundamental ethical value than honesty. Isn't it necessary to believe in others as well? Trustworthy, agar aap honge, tabhi aap dusre ko trust karenge. पहले देखिए, जो हम व्यवहार दूसरे से चाहते हैं वैसा हमको पहले बनना पड़ेगा. वी फील दैट देर आर थ्री इश्यूज विच एक्सप्लेन्स टोटली दी ऑनेस्टी एंड एथिक्स. With those two things intact, your image naturally would be much, much higher in the society, in the world, and everywhere. What are these three things? Trustworthiness, your sincerity, and your candor. Is there any fourth thing you want to add, or you don't agree with these three? Sir, and I think hard work also matters. The fourth point can be hard work. Yes. And I have one small question also, if I can. ईमानदारी से काम करने में ज्यादा मेहनत है, बेईमानी से काम करने में ज्यादा मेहनत लगती है. सक्सेस का मायने क्या है वो भी अपने को समझना पड़ेगा. मैं ये मानता हूं कि सक्सेस अलोंग विद हैप्पीनेस इज ए कंप्लीट सक्सेस. दैट इज व्हाट द इंटीग्रिटी ऑफ द सक्सेस इज मेजर्ड विद. But otherwise, aap keval if you want to have material gains, profits, all press button comforts of the life, you can gain that even with lesser work, with dishonest means. But will you be happy? I think not. So aapki apni samajh mein, aapke apne parameter aapko tay karne padenge success ke maayne kya. लेकिन हार्ड वर्क, जहां तक प्रश्न है, आपने जो चौथा पॉइंट कहा ऐड करने के लिए, हार्ड वर्क कैन बी ऑनेस्ट एज वेल एज डिसऑनेस्ट. बल्कि डिसऑनेस्ट काम करने के लिए हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है. कैन बी ऑनेस्ट एज वेल एज डिसऑनेस्ट. बल्कि डिसऑनेस्ट काम करने के लिए हार्ड वर्क ज्यादा करना पड़ता है. अगर आपको किसी को हर्ट करना है तो उसके लिए बहुत प्लान करना पड़ेगा, नहीं तो पकड़े जाओगे कहीं ना कहीं. सर, आई रादर से नॉट द हार्ड वर्क बट द स्मार्ट वर्क इन द लिस्ट. आई वुड ऐड स्मार्ट वर्क इंस्टेड. दैट्स वंडरफुल, वेरी गुड. यू शुड ऑल्सो बी एबल टू ट्रस्ट पीपल, विच इज व्हाट्स मिसिंग इन आवर टुडेज जनरेशन. वी डोंट बिलीव पीपल. इजंट इट नेसेसरी टू बिलीव इन अदर्स एज वेल? डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन ट्रस्टवर्दी अगर आप होंगे तभी आप दूसरे को ट्रस्ट करेंगे. पहले देखिए, जो हम व्यवहार दूसरे से चाहते हैं वैसा हमको पहले बनना पड़ेगा. ये जरूरी है, क्योंकि उसके बिना आप एक्सपेक्ट करें दूसरे से कि वो दूसरा भी ट्रस्टवर्दी हो और मैं शायद जो मर्जी करूं, तो वैसा नहीं होगा ना. और जैसे उन्होंने कहा पहले कि स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क, but smart work can also be honest and can be done dishonestly. So anyway, let us understand what is full trustworthiness. We have identified four things which as a whole will classify us as a trustworthy person. Trustfulness is starting the facts of the best of our kind of stating the facts to the best of our knowledge is prerequisite. That is number one. और जब हम कोई बात करते हैं तो हमें हमारा intention क्या है, that is the big differentiator between truthfulness and truth itself. Intention behind your stating any word, your behavior, your talk or anything, that has to be clubbed together and then seen as a whole. And third is, which is what probably you were hinting at, sometime being wrong is not necessarily means that you are lying.
So you are working smartly, so you may not be lying, but you may be intentionally being wrong in saying something. But that is not correct. Being wrong is not necessarily lying. The fourth is sometimes the honest mistakes can also damage your trustworthiness. Particularly in some relationships, sometimes an honest mistake happens by the people that can also damage the trustworthiness of a person. So these are the four things which I feel makes you as a whole a trustworthy person or not. Then we go to second, sincerity. Sincerity, it is your genuineness. That is number one. How genuine person are you? What do people feel about you that you are genuinely saying what you are saying? If what will hamper your being sincere would be any act of half-truth, out-of-context statements, and even sometimes silence. These can really damage your image, whether you are sincere or you are not sincere. And because of these three things, not to create, due to the three earlier said things, to create a belief or leave impression which is untrue, and never to be misleading. This is the thing of sincerity. Sir, you said that sometimes being silent can hamper our personality in some way or the other. But sometimes I do agree with this thing, but many a times we find that if someone is silent, the person is either trying to ignore an argument or something like that. So I just sometimes won't agree with the statement that being silent can lead to, like, if we are not sincere, it can lead to an image for being not sincere. No, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन देखें, अगर हम आपको कुछ चीज के बारे में पता है, आपको पता है कि आपका ब्रदर कल रात को देर से घर पे आया, कुछ गड़बड़ बाहर करके आया, लेकिन जब आपकी मदर पूछ रही है आपसे, बात कर रही है उनसे, आपको पता होते हुए यू आर साइलेंट, तो उसको क्या कहेंगे आप? आर यू सिंसियर टू योर मदर, your parents? Sir, in such situations it can be that, but sometimes, like, if an argument is going on between two people, huh, and one person opts to be just silent about that, so at that time we can't say that person is not sincere. Ha, ye to baat theek hai. Ye circumstance mein agar argument se bachne ke liye agar aap chup ho jate hain, to that should not hamper your sincerity, because samne wala aadmi janega ke bhai yes, she or he is keeping silence because you don't want to enter into big argument or want to create it further damage. That I agree. मैं आपको example दूंगा और आपसे ही पूछूंगा कि इसके मायने क्या है. Sincerity, trustworthiness को हम breach कर रहे थे क्या? मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं आपको. बचपन में, आज मैं समझता हूं कि 50 साल पुरानी बात कह रहा हूं, उस जमाना था जब मैं हरियाणा का रहने वाला, हिसार का रहने वाला हूं, वहां पे ऐसी भावना थी कि इवन मूवी देखना भी मना था. सिनेमा जाना मतलब बुरी बात. तो मेरे घर में एक मेरी उम्र का दूसरा लड़का था, तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई हुई थी कि 3 घंटे की मूवी है, उसमें से एक फर्स्ट हाफ में वो देख के आता था, दूसरे हाफ में मैं देखता था, और अगले दिन फिर रिवर्स कर लेते थे, वो सेकंड हाफ में जाता था, मैं पहले हाफ में जाता था. इसको क्या कहेंगे? सो इंटेंशन वॉज नॉट टू हर्ट एनीबडी, तो टू दैट एक्सटेंड यू से इट वॉज स्मार्ट, बट इट वॉज रॉन्ग, येट यू आर टेलिंग अ लाई. On the media manipulating. मैंने पहले कहा आपको, trustworthiness
आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी कोई बात करेंगे तो ट्रस्टवर्दीनेस नहीं रहेगी। आपने भी शायद पूछा कि मीडिया मैनिपुलेट जो करता है उसको कैसे रोकें। व्यूअर रोकता है धीरे धीरे, जो टीवी चैनल या न्यूज़पेपर मैनिपुलेट करता है मीडिया के उसके अपनी राइटिंग के माध्यम से, धीरे धीरे लोग उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं। Yes, sir, but sometimes it turns back around at us. No, उस समय चुप कर जाइए, बाद में आप बताइए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। Okay. जिस वक्त हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, यू हैव टू डिफ्यूज दैट सिचुएशन दैट टाइम। उसके बाद में थोड़ी देर बाद, दो घंटे बाद फिर कह दीजिए अपनी बात। Okay. No, we always talk about being genuine and ethics and everything that is being told by the society and but laws and all. But I guess these are the things that actually force people to go off track. That what? Like to go out of the track to do something wrong, and sometimes these are the things that like force people to do wrong. Prerna ne badi achhi baat kahi hai ki samaj ko kya adhikar hai jab samaj देखता है कि दूसरा व्यक्ति आज के दिन वो गलत कर रहा है, चाहे वो आतंकवादी है या बहुत से लोग शायद वो कहेंगी कि आज के दिन लेफ्ट टेररिज्म चल रहा है, या उनको कुछ भी नाम दें। समाज जब देखता नहीं कि वो क्यों बने ऐसा, गलत रास्ते पे क्यों गए, तो उनको ये ऑनेस्टी इंटेग्रिटी पे भाषण देने का अधिकार नहीं है। वेरी गुड, बात तो वो सही कह रही है, लेकिन सवाल ये है, फिर भी मैं आपसे पूछूंगा कि क्या टू रॉन्ग्स कैन मेक वन राइट? इट डजंट डू दैट। और ये तो ठीक है, बहुत बार कलेक्टिवली जब हम एज ए सोसाइटी हम अपने पथ रास्ते से भटक जाते हैं तो ये समस्याएं आती। The word manipulation. हाँ. Do you believe in it? I don't believe in it, but there is a word manipulation. That much I know. Do you believe? What I'm trying to say is, there's manipulation on every level. Be it the media, be it any other organization. So do you believe manipulating is honesty or dishonesty? It is totally dishonesty. So what would you like to say on the media manipulating? That's totally wrong. You're saying that okay, we don't edit the news or we're not, you know, totally changing the concept of what you're showing. But I believe that you do manipulate. As in you perceive it in a different way. Can you give me an example for our Z media company? No, I cannot. I'm not, you know, generalizing. I'm just generalizing. Oh, you're generalizing. Yeah. What would you like to say on it? It is unfortunate that this is happening. I have to admit that. What do you think we can do for it, you know, to like stop manipulation? Because it is the public who still understands this media, this particular media, this particular TV channel or this newspaper is seemingly manipulating. You still understand that. And I'm glad, because that is the reason you are asking this question, no? Because you can see that somebody is manipulating you and your opinion. What would you like to, you know, tell all the students here to, you know, stop manipulation? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि कभी कभी फिर इंटेंशन भी यहां आ जाती है। समटाइम्स ए फादर मैनिपुलेट्स हिज चाइल्ड। The father, your child is, or a boy or a girl, though they may be grown up, father genuinely feels that this is not a right thing what my son wants to do. And he also knows that agar main seedha isko aisa keh dunga ki ye nahi karna, main approve nahi kar raha, to ye revolt karega, naraaz ho jayega, ghar se chala jayega,
खाना दो दिन नहीं खाएगा, मां नाराज होगी, मां दुखी होगी, ही स्टार्ट्स मैनिपुलेटिंग। हाँ अच्छा ठीक है, आपने जो सवाल किया इसका मैं दोपहर बाद जवाब दूंगा या शाम को दुकान से आके जवाब दूंगा। दुकान से आने के बाद वो कुछ उदाहरण देता है, कुछ एग्जाम्पल देता है, वे कहते नहीं बेटा ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से मेरे को, मैंने अपने दोस्त से पूछा था आज ये बात, उनका नहीं नहीं अगर ऐसा कुछ किसी ने किया था उसके साथ बुरा हो गया, ये हो गया वो हो गया, और बेटे को समझा लेता मना लेता। अब अगर प्योर आप उसका आंकलन करें, एनालिसिस करें, तो उसने अपने बेटे को मैनिपुलेट किया, लेकिन क्या उसके इंटेंट क्या था? वो उसकी भलाई के लिए था या बुराई के लिए था? लेकिन मीडिया ऐसा नहीं कर सकता, मीडिया को एक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा एज ए मीडिया मेरा काम केवल जो जैसी बात हो रही है, जो घटना जैसी घटी है, जो मैंने किसी से बात करके समझा है, उसको उसी कंटेक्स्ट में दिखाना। सर मैं बताना चाहती हूँ कि महाभारत काल में एक घटना है जिसमें ट्रस्टवर्दीनेस, स्मार्ट वर्क और ये सारी चीजें साथ साथ है। घटना कुछ इस प्रकार है कि जो अश्वत्थामा था वो द्रोणाचार्य का बेटा था, और द्रोणाचार्य जो थे वो कौरवों के साथ थे, तो उस समय द्रोणाचार्य को मानसिक रूप से कमजोर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि एक वृद्ध पिता के सामने यदि उसका पुत्र मारा जाता है तो वो मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है, और उस स्थिति में उसको कमजोर करना बहुत जरूरी था। तो पांडवों ने एक चाल चली, जो स्मार्ट वर्क था, उन्होंने कहा कि हम द्रोणाचार्य को कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र मारा गया, यानी अश्वस्थामा हतः। तो कहा जाता है लेकिन इस पर विश्वास कौन करेगा, ट्रस्टवर्दी कौन है? तो ट्रस्टवर्दी केवल युधिष्ठिर थे जो सत्य बोलते थे, तो ये सोचा गया कि युधिष्ठिर इस बात को कहेंगे, जाके उसको कहेगा कि, हाँ, कि अश्वस्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, मतलब उन्होंने कहा कि ये कहना है कि अश्वस्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा मैं इतना सत्यप्रिय हूँ और मैं ये बात नहीं कह सकता, तो उसको समझाया गया कि तूने झूठ नहीं बोलना है, तूने तो कहना है अश्वस्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, मतलब नर है या हाथी मुझे नहीं मालूम, अश्वस्थामा मारा गया, क्योंकि उस टीम में एक अश्वस्थामा नाम का हाथी भी था। तो ये कहा गया कि अश्वस्थामा मारा गया है। दिस इज द ट्रू हाइट ऑफ मैनिपुलेशन। यस, मैनिपुलेशन। इसीलिए मैं विच वॉज डन बाय लॉर्ड कृष्णा। हाँ सर, अभी बात पूरी नहीं हुई। अच्छा नहीं हुई। अभी कृष्ण का स्मार्ट वर्क दिखाना है। हाँ। तो उन्होंने कहा अश्वस्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो युधिष्ठिर ने बोल दिया अश्वस्थामा हतः, जैसे ही हतो कहा नरोवा कुंजरोवा कहने से पहले कृष्ण ने शंख बजा दी। जैसे ही शंख बजी द्रोणाचार्य ने बात नहीं सुनी कि नरोवा कुंजरोवा, उन्होंने केवल सुना अश्वस्थामा हतो। तो यहां से पूरी स्टोरी बदल गई, और स्मार्ट वर्क, ट्रस्टवर्दी, मैनिपुलेशन, इन सब का उदाहरण इस एग्जाम्पल में मिलता है। थैंक यू सो मच। Success can be achieved even by dishonest means, unethical behavior, but you will not find happiness in that. A success achieved with honesty and ethical means will make you happy as well. Being silent is most of the time I have seen is just an escape from the situation nowadays. And as you said that if you want to trust people, you need to be trustworthy yourself. So I don't think so that, because once your trust is broken, you tend to shrink, you tend to build a wall, and you never trust others. There is an African phrase that's called Ubuntu, which stands for I am because you are. So until and unless we find trustworthy people, it is reflected back to us, we'll never be able to trust again. So that happens, and most of the time that I agree with that. Lekin mera question ye hai ki whether you want to be trustworthy or not. If you are trustworthy, still you won't find people, because nowadays you will just find people manipulating. Aisa to nahi. So this happens. Main itna negative to nahi hu. Dekhiye, main aaj 64 saal ka ho gaya. Yes sir, so until and unless you agar aap trustworthy ho to log aapko trust karte hain.
बस आप मेरे एक्सपीरियंस से ये बात तो मान लीजिए, पीपल में हालात होते हैं, आपके साथ दुर्घटना होती है, आपको गलत आदमी को मिल जाता है, वो धोखा भी देता है, कुछ होता है, लेकिन अल्टीमेटली आदमी जो ट्रस्टवर्दी है उसके बारे में लोग कहेंगे। That happens because you are honest. दुश्मन भी कहेगा कि यार वो कुछ भी कहो, मैं मेरा उससे दुश्मनी है, आई डोंट लाइक हिम, बट आदमी जो ट्रस्टवर्दी है उसके बारे में लोग कहेंगे। That happens because you are honest. दुश्मन भी कहेगा कि यार वो कुछ भी कहो, मैं मेरा उससे दुश्मनी है, आई डोंट लाइक हिम, बट आदमी है जबान का पक्का। First of all, the meaning of success is different for everyone. Yes. For few, the success would be money. But if you have money, no money sharers, no one to indulge with, to talk to, there's no meaning of success. So if an honest person walks on the right path and does his work, so that success is what matters with ethics and with moral values. Very good. I agree 100%. Let's keep honesty, integrity aside. थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाएं। अगर कामयाब होने के लिए क्या चाहिए आपको, जब कोई भी चीज में आप कामयाबी लेना चाहते हैं, चाहे वो आप सर्विस करें, प्रोफेशनल में जाएं, चाहे आप अपना बिजनेस करें, चाहे आप रिसर्च करने जाएं, रिसर्च फील्ड में जाएं, आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे, कहीं भी जाएं, कुछ चीजें आपको हर चीज में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी हैं। नंबर वन, यू विल हैव टू क्रिएट रिलेशनशिप्स अराउंड यू। किसी न किसी प्रोफेसर से बात करेंगे, किसी और से बात करेंगे, अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे, कोई आपको एंगेज करने वाला है तो वो इंटरव्यूअर से बात करेंगे, कहीं ना कहीं आप जब बात करते हैं तो कुछ ना कोई रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। और रिलेशनशिप कैसे बनती है और कैसे लंबी रह सकती है उसका जवाब हम पहले सुन चुके हैं कि अगर आप इफ यू कम अक्रॉस एज ए ट्रस्टवर्दी ह्यूमन बीइंग, एज ए ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल, योर रिलेशनशिप विल लास्ट मच लॉन्गर एंड मच इन अ मच बेटर मैनर। ये तो मानेंगे कि नहीं? ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। रिलेशनशिप होना, चाहे वो आपके क्लाइंट हो, कस्टमर हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, स्टेक होल्डर हो, इसके लिए जरूरी है। और रिलेशनशिप विदाउट ट्रस्ट इज डिफिकल्ट टू बी मेंटेन फॉर लॉन्ग टर्म। एंड देन सक्सेस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेटवर्क ऑफ सच रिलेशनशिप। बहुत से लोग आप देखेंगे कि जो कामयाब हैं, आप अपने मन में किसी को भी देख लीजिए, आपके मन में जिसकी भी छवि आती हो, जिसकी भी मूर्ति आती हो कि ये आदमी सक्सेसफुल है और मुझे इसकी तरह से बनना है, आप तो उसकी जिंदगी को देख लीजिए, आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए, आपको पता लगेगा कहीं ना कहीं कि उस आदमी ने अपना या उस लड़की ने, उस औरत ने अपने कहीं ना कहीं नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बना के रखे। इन टूडेज वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड विच इज वेरी वेरी हाईली कंपेटिटिव, और जिसके कारण से हम कई बार सोचते हैं कि आज के दिन में ईमानदार रह के हम कामयाब नहीं हो सकते, मेरा उल्टा मानना है कि इस कंपेटिटिव वर्ल्ड में आज के दिन अगर आप ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी नहीं है तो शायद नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर को हमेशा आपके ऊपर ट्रस्ट होना, फेथ होना जरूरी है। देर आर अदर 9 अदर कमांडमेंट्स टू बी सक्सेसफुल। आपने जो बात यहां कही थी सक्सेस के बारे में, किसकी, मेरी अपनी परिभाषा है, आपकी अपनी परिभाषा है, व्हाट आर दीज 9 थिंग्स? Proper respect for authority. Number 2, have a singleness of purpose. एक बार एक समय में अगर अलग अलग जगह भागेंगे, अलग अलग बातें ध्यान में रखेंगे, कामयाब नहीं हो पाएंगे। सक्सेस का मंत्रा है कि एक तरफ ध्यान रखिए, एक चीज के पीछे पड़िए, उसको छोड़िए मत। Live with it, eat it, drink it, sleep with it. So singleness of purpose is very important. Use effective communication in your word and deeds. जो मैंने हिंदी में कहा कि कथनी और करनी एक होनी चाहिए आपकी। Number 4,
provide yourself proper rest, recreation and reflection. Show respect for human life, dignity and their rights. If you show respect to everybody, they will give you respect as well. Maintain a stability of sexes and the family. Equality amongst all sexes, male, female. You should never in life discriminate between them. And respect our family values, our family systems, due to which I think, personally, मैं आज ये मानता हूं कि आज अगर इस देश का इकोनॉमी स्ट्रांग है, लोग स्ट्रांग हैं, बहुत हाथ है उसका फैमिली वैल्यू सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में. वो कई जो आपने आपको डेवलप्ड कंट्री समझते हैं, वहां फैमिली सिस्टम खत्म हो चुका है. मैंने देखा उन लोगों को अपने प्यार के लिए तरसते हुए. और जब आदमी को प्यार नहीं मिलता, जब आदमी को कोई लव अफेक्शन कुछ नहीं मिलता, तो वो कुछ भी करता है, ड्रग्स भी करते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं. आज अमेरिका जैसे मुल्क में 55% लोग डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज. सो मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ सेक्सेस एंड द फैमिली. नंबर 7, डेमोन्स्ट्रेट द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपके पास अगर 100 रुपया है, सोच की करिए कि इतना पैसा इसके लिए, इतना इसके लिए. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन बिजनेस और इवन योर प्रोफेशन, इवन योर वर्क लाइफ, यू हैव टू एलोकेट रिसोर्स इन अ प्रॉपर मैनर. ओनली वन थिंग दे हैव सेड इन दिस 9 थिंग्स, दे शो ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. लेकिन 9th वन आई विल से, देन आई कम बैक, मेंटेन द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. रेस्पेक्ट द intellectual property. If somebody has done something good, if somebody has created something, agar kisi ne koi aapko success mantra diya hai, to usko uska sahi mein appreciation milna chahiye. Kyunki kai baar dekhne mein aata hai ki kai bosses ko maine dekha, wo jab success milegi to apne aap own kar lete hain, और फेल्योर मिला तो बोला सर मेरे आदमी ठीक नहीं है मेरे साथ काम करने वाले. तो ये दिस इज काइंड ऑफ टेकिंग अवे राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विच समबडी एल्स हैज क्रिएटेड. तो जिसका जो ड्यू है उसको जरूर दीजिए. लेकिन एक ही जगह उन्होंने लिखा शो द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, लेकिन बाकी 8 चीजों पर भी अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे, कहीं पे डिसऑनेस्टी वाली चीज कहीं आपको नजर नहीं आएगी. पर्सनली आई विल क्लोज विद दिस दैट सक्सेस कैन बी अचीव्ड इवन बाय डिसऑनेस्ट मींस, अनएथिकल बिहेवियर, बट यू विल नॉट फाइंड हैप्पीनेस इन दैट. सक्सेस अचीव्ड विद ऑनेस्टी एंड एथिकल मींस विल मेक यू हैप्पी एज वेल. थैंक यू वेरी मच. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. थैंक यू. तुम्हाला डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये सहभागी होण्याची इच्छा असेल तर आम्हाला SMS करा, DSC स्पेस द्या, तुमचं नाव टाइप करा आणि पाठवा 57575 वर. तुम्ही ईमेलही करू शकता dsc@zmedia.slgroup.com वर. Z24 तास रहा एक पाऊल पुढे.